दुख भंजन। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे भाव से पवन सुत का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं बजरंग बली। चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय जिसे करके आप महालाभ पा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें लड्डुओं और तुलसी दल का भोग लगाएं, पहले श्री राम स्तुति करें या राम मंत्र का जाप करें, इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हैं। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, इसके बाद शिक्षा तथा विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे संकटों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना होगा आपके लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, संकट दूर करने की प्रार्थना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें जिसमें उनके हृदय में सीता राम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें, इसके बाद धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हर इंसान सफलता पाना चाहता है लेकिन इसके लिए मेहनत करना बेहद जरूरी है, और मेहनत के साथ साथ अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो वारे न्यारे होने में समय नहीं लगता। अगर आप भी पाना चाहते हैं हर क्षेत्र में सफलता तो क्या करें उपाय, हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं, हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। नियमित रूप से इस चित्र का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई हनुमान जी की आराधना जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति दिला सकती है। विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं।